प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी। कॉलेज के शिलान्यास के साथ उसके जल्द पूरे होने का निर्देश भी दिया गया था। इसी आधार पर अगस्त 2024 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां 100 छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति दी, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इस मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ प्रवेश की अनुमति वापस ले ली गई है। इस कॉलेज को बनाने के काम में लगे मजदूरों को कई महीने से वेतन तक नहीं मिला। मजदूरों ने काम करने से भी मना कर दिया है। लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज अधर में लटका हुआ है। हालात यह हैं कि अभी तक मुख्य भवन का निर्माण तक नहीं हो पाया। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया है इस पूरे घटनाक्रम का। लोकल प्रिंसिपल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान सरकार, एसीएस मैडम, आपकी राजस्थान की सबकी तरफ से बॉन्ड और एक एफिडेविट दिया गया है कि अगले 3 महीने में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एलओपी के लिए अगले 15 दिनों में जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के 5-6-7 ब्रांच हैं, एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम, पैथो, माइक्रो, पीएसएम, इसके लिए ये फैकल्टीज अगले 5 दिनों में लगेंगे। 4 महीने से काम कर रहा हूँ, कंपनी पैसे नहीं दे रही है। सारा मजदूर हम लोग इकट्ठा होकर आज हड़ताल किए हैं, इसलिए जब तक पेमेंट नहीं देंगे हम लोग काम नहीं करेंगे यहाँ पे। ये कौन सी जगह का महादेश्वर महादेव मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा, यहाँ हम लोग काम करते हैं। 4 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है और लेबर का भी पेमेंट नहीं हो पाया सर, इसलिए हम लोग सब मजदूर, ठेकेदार सब मिल करके जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा जब तक हम लोग यहाँ काम नहीं करेंगे। आपने अपनी बात किसी के सामने रखी क्या? हमने रखी थी ना, पीएम के सामने रखी सर, और क्लाइंट वाले को सर, उनको भी बोले, सबको बोले हमने, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, यूं करते 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 जून से लेकर के और अगस्त तक की पेमेंट बाकी है। 30 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था और इसी अगस्त माह 2024 में यहाँ पर प्रवेश होकर इसका यहाँ पे पढ़ाई शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते इसको अभी तक यहाँ पर प्रवेश की मान्यता नहीं मिली है। यहाँ पर 100 बच्चों को प्रवेश का आदेश हुआ था, लेकिन बिल्डिंग पूरी नहीं होने से अभी तक स्वीकृति नहीं हुई है और नहीं यहाँ पर पढ़ाई शुरू हुई है। यहाँ पर जो कार्य करने वाले मजदूर हैं उनको भी काफ़ी समय से पेमेंट नहीं मिला है, जिसके चलते आज उन्होंने काम बंद कर दिया है, जिससे आशंका है कि इसका निर्माण कार्य जो है वो इसमें और भी देरी होगी, जिससे कि इस साल जो प्रवेश होना था बच्चों का वो प्रवेश इस साल नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं इनको प्रवेश होने में 1 साल की और देरी हो सकती है। इस एकेडमिक सहित अन्य जो सुविधाएं हैं उस पर 450 करोड़ से अधिक का खर्च होना था, लेकिन अभी तक जो निर्माण दे सकते हैं कि आप अभी तक पूरा नहीं हुआ है और स्ट्रक्चर भी अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है और अभी मजदूरों ने और ठेकेदार ने पेमेंट नहीं मिलने के चक्कर में काम बंद कर दिया है, जिसके चलते इस साल यहाँ पर प्रवेश होकर पढ़ाई होना मुश्किल नज़र आ रहा है। इस काम को भी यदि समय पर पूरा किया जाता है तो भी लगभग 6 महीने का समय और लगेगा, जिसके बाद ही यहाँ पर प्रवेश की प्रक्रिया होगी, लेकिन कहीं ना कहीं निर्माण कार्य में देरी होने और अधिकारियों की लापरवाही के चलते 1 साल देरी में प्रवेश होगा और छात्रों को भी 1 साल का नुकसान होने की संभावना है। बांसवाड़ा से एनडीटीवी के सुभाष मेहता।